moles of helium gas undergoes reversible cyclic process as shown in the figure. Assuming gas to be ideal, what is the work for the process? हमें निकालना है work done. Two moles of helium gas है, कौन से process में निकालना है? C से D में. अब ये जो C से D तक का process है, यहाँ पे temperature है और यहाँ पे pressure है. मैं बोल सकती हूँ C D जो process है ये कैसा है? Isothermal process है. ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है. ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, या फिर माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाय पी टू. ठीक है, मोल्स कितने हैं? टू मोल्स हैं हीलियम गैस के, तो माइनस टू आर. टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन. यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन. एलन पी वन अपॉन पी टू, तो प्रोसेस है सी से डी. तो यहाँ पे पी वन कितना है मेरे पास? 2 atm, और पी टू कितना है? 1 atm. पी वन कितना है? 2 atm, और पी वन कितना है? 1 atm, है ना? पी वन अपॉन पी टू, सी डी प्रोसेस में निकालना है, तो 2 upon 1. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2 × 4 = 8, यानी -800 आर एल एन टू. ठीक है, तो माइनस का 8 वर्क डन. व्हाट इज द वर्क फॉर द प्रोसेस सी टू डी? -800 आर एल एन टू, यहाँ माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, -800 आर एल एन